अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज ये बताना है सूरज ग्रहण है और हम वीडियो में बता दिया कि सूरज ग्रहण की साइंसी तहकीक क्या है। आप ये बताना है कि इसमें हमें क्या करना चाहिए, सूरज ग्रहण के वक्त को किस तरह गुजारना चाहिए। तो आप इसमें जिक्र और अज़कार कीजिए, नफिल नमाज पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए, कुरान करीम की तिलावत कीजिए। और बात ये कहते हैं जी इसमें खाना नहीं खाना चाहिए, इसमें पानी नहीं पीना चाहिए। तो जो आम दिनों में मामला है वही आज है। आप खाना भी खा सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं, जो चाहे आपकी मर्ज़ी, आप कुछ भी कर सकते हैं। शरीयत ने सूरज ग्रहण के वक्त कोई कैद नहीं लगाई, किसी तरीके से किसी को मजबूर नहीं किया है। लेकिन ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी होती है और अल्लाह की निशानियाँ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि देखो अल्लाह चांद को भी फीका कर सकता है, सूरज की रोशनी को भी सलब कर सकता है। तो चुनाचे हम इसमें नफिल नमाज पढ़ें, दुआ करें, इस्तग़फार पढ़ें, कुरान करीम की तिलावत करें, या सदका करें, या जिक्र अज़कार करें, कुछ भी करें, आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो बातें सुनने को हमें मिलती हैं कि हमें हामिला औरत को ये नहीं करना और उसको ये नहीं करना, कोई धारदार चाकू नहीं चलाना, तो इस तरह की कोई बातें, इन बातों की कोई हकीकत नहीं है। इन बातों से हमें बचना है, इन बातों से हमें दूसरों को भी बचाना है। अल्लाह बल की तौफीक अता।